कभी-कभी हमें एकदम सिंपल और साधारण सी डिश भी ट्राई करनी चाहिए जो फटाफट से बन जाए और बनाने में बिल्कुल भी मेहनत ना लगे। तो कभी अगर सब्ज़ी बनाने का मन ना करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का मन नहीं करता है, ऊब जाते हैं सब्ज़ी बना बना के, खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो उस दिन ये ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत टेस्टी है, और टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन, सारी चीज़ों को थोड़ा सा तेल कुकर में डालिए और उस एक साथ में ही रख के सीटी लगा दीजिए। ना भूनने का झंझट है यहाँ पे और ना तो गैस गंदा होगा आपका, और टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त होगा इसका। तो बस एक सीटी लगाइए और तुरंत आपके बैंगन, टमाटर सब कुछ पक के एकदम तैयार हो जाएगा। आसानी से इसके छिलके भी उतर जाते हैं, आप देख सकते हैं टमाटर के भी छिलके बहुत आसानी से उतर जाएंगे। तो इसको बाहर निकालिए कुकर में से और तुरंत जो है आपको इसमें क्या करना है कि एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके रख देना है, जिससे कि ये ठंडे हो जाए। एक सीटी में ही पक जाता है बैंगन, टमाटर सब आपका, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और इसी के साथ टमाटर भी निकाल लीजिएगा, अभी गर्म है तो मैं थोड़ा चम्मच से निकाल रही हूँ। बाकी हरी मिर्च और लहसुन उसी तेल के अंदर ही रहने दीजिए। टमाटर का छिलका उतार लेंगे हम, बहुत आसानी से उतर जाता है, और साथ ही में बैंगन का भी देखिए कितना बढ़िया से पक जाता है टमाटर, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, और बहुत आसान सी झटपट सी बनने वाली। 15 मिनट में मैंने जो है बेसन की रोटी और बैंगन का भरता बना के सबको दे दिया था घर वालों को खाने के लिए। बिल्कुल भी बस आटा लगा के आप रखिए, दूसरे तरफ बैंगन उबालिए, एक तरफ आटा लगाइए, तुरंत बन के तैयार हो जाता है। अब इसी में आप बैंगन छीलने के बाद में बैंगन और टमाटर इसी कुकर के अंदर ही डाल दीजिए। इसी में आपको मैश कर देना है, अलग से तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तेल को यूज करिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें इसका। तो देखेंगे आपकी, इसको मैसर ले लीजिए और मैसर की सहायता से फटाफट से बैंगन क्योंकि गल चुका है, टमाटर भी गल चुका है, तो इन सब को कुकर में मैसर की सहायता से अच्छे से मैश कर दीजिए। और मैश करने के बाद में जो है इसमें मिक्स करना है आपको धनिया पत्ती, जो कुछ आप काट के डालना चाहें, धनिया, प्याज, लहसुन भी अगर ऊपर से काट के डालना चाहें, चटपटा पसंद करते हैं तो डालिए। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम एक बाउल में। जैसे ही इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे हम, वैसे आप सोच रहे होंगे कि जो है इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डालिए। आप अगर चाहें तो इसको और सूखा भी सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है इसकी जो थिकनेस है, जो कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही चाहिए भरते की। और इसमें थोड़ी सी हरी धनिया, प्याज, हरी मिर्च ऊपर से काट कर बारीक बारीक डालिए, और ये लीजिए टेस्टी टेस्टी जो है बैंगन का भरता। 10 मिनट में बनने वाला ये बैंगन का भरता तुरंत से बन के तैयार हो जाता है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और खाने में इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त है। तो गर्मा गर्म बेसन की रोटियां बनाइए और साथ में जो है थोड़ा सा मक्खन रख लीजिए। इसके साथ में जो है धनिया वाली, जो धनिया और नमक मिर्चा जो पिसता है ना, धनिया मिर्चा वाला जो नमक होता है वो रखिए, और साथ में बैंगन का भरता रखिए। तो बिल्कुल हेल्थी सी रेसिपी, फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। खाने में तो हेल्दी है ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल मसाले का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये सिंपल सी रेसिपी कभी कभी हमको बना के खाना चाहिए। तो आप भी ट्राई कीजिए, मैंने तो बनाया है और खाया भी है, सबको बहुत पसंद आई है। आप भी बनाइए, खाइए, और आपकी फैमिली में सबको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइएगा। कभी कभी इन सब चीज़ों को भी ट्राई कर लेना चाहिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरी धनिया ऊपर से डालिए, सबको अच्छा लगेगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।